हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव, वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आइए शुरू करते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज आपकी चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलाम जी की है और इनकी इमेज आप देख लीजिए, इस तरीके के थे वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना क्या है, आप एक तरीके समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टी। अगर किसी मीडियम का कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना है तो हम उसको, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी के नाम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये परमिटिविटी क्या है, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना पे बेस्ड है। इसमें हम लोग देखेंगे, एवरी मीडियम इज सपोज टू पोजेस टू परमिटिविटीज। दो तरीके की परमिटिविटी को हम लोग कंसिडर करते हैं किसी भी मीडियम के लिए। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी और दूसरा होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मेजरिंग रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम और फ्री स्पेस चूजन एज द रेफरेंस। हम वैक्यूम और फ्री स्पेस को एज अ रेफरेंस लेके चल रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी को देखने के लिए, रेफरेंस मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ 8.854 × 10⁻¹² Fm फैरेड पर मीटर। सो अगर फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात की जा रही है तो वहाँ का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वेयर इज द एप्सिलॉन आर वैल्यू इज 1 एंड एप्सिलॉन नॉट वैल्यू इज 8.854 × 10⁻¹², ठीक है। Then the value of absolute permittivity is 8.854 × 10⁻¹² farad per meter, ठीक है। Relative permittivity की कोई unit नहीं होती, क्योंकि relative permittivity जो है वो किन्हीं दो medium के बीच का comparison होता है, इसलिए ratio of two similar quantities की वजह से यहाँ की जो unit होती है relative permittivity की, कोई unit नहीं होती है। अगर हम लोग एक अदद दूसरा मीडियम लें और इफ़ इट्स रिलेटिव परमिटिविटी एज कम्पेयर टू वैक्यूम इज एप्सिलॉन आर, और उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर है, और इसकी वैल्यू कोई डिसाइड नहीं है क्योंकि हम लोग ने जो मीडियम है वो मीडियम कौन सा लिया है ये बताया नहीं गया है। तो हम लोग कोई दूसरा मीडियम ले रहे हैं उसकी पर रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन आर है, तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगी आपकी, ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एफ बाई एम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका इज 5। माइका की रिलेटिव परमिटिविटी है 5। माइका एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, परमिटिविटी का केस डायलैक्ट्रिक एंड इंसुलेटिंग कंडीशन पे ही आता है। तो माइका की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 5 है, तो इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी हम लोग को बतानी है। तो एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, जो फ्री स्पेस परमिटिविटी है वो 8.85 × 10⁻¹² है, और मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव परमिटिविटी 5। So the value of 44.27 × 10⁻¹² farad per meter is the absolute permittivity of the material or medium, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और बेसिकली आप इस फार्मूले को याद रखिए, फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमेशा क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, और एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी हमेशा होती है 8.8 वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻¹² फैरेड पर मीटर, ठीक है। आशा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।